नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टेरिटोरियल आर्मीज में वैकेंसीज निकली हुई है। दोस्तों यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं उसका नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूं। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में ही दिया गया है यहाँ पर पार्ट टाइम कमिटमेंट होगा एंड नॉट ए फुल टाइम करियर। यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे होगा। यहाँ पे डेट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं 28 जुलाई को रिटर्न एग्जाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अप्लीकेशन को सबमिट करने का डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों सबमिट करने का डेट यहाँ पर 26 मई से 25 जून 2019 तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर नोटिफिकेशन में क्या दिया गया। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 42 साल दिया गया। और फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको मेडिकली फिट मांगा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट वाला 18 जुलाई 2019 जैसा कि पहले भी बता दिया हूँ। यहाँ पे सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन यहाँ पे 26 मई से 25 जून 2019 11:59 तक यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर देख सकते हैं एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है जिस जोन से आप भरेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे यहाँ पे है जयपुर, फिर पुणे, बेंगलुरु, उसके बाद हैदराबाद, नागपुर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, दिमपुर, चंडीगढ़, जालंधर, शिमला, हिसार, लखनऊ, पटना, उधमपुर, श्रीनगर, ये सब सेंटर होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस यहाँ पर आपका देखिए पार्ट वन और पार्ट टू करके रहेगा। पार्ट वन में रीजनिंग और पार्ट टू में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा जो टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया है यहाँ 2 घंटे का। अब 50-50 क्वेश्चन होगा 50-50 मार्क्स के। और सेकंड में देख सकते हैं पेपर टू में आपका देख सकते हैं जनरल नॉलेज पेपर वन में होगा। अब पेपर टू में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा 50-50 मार्क्स का यहाँ पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं रीजनिंग में जो होता है अधिकतर सिलेबस में अधिकतर रिक्वायरमेंट में वही यहाँ पर सिलेबस नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर वगैरह सब कुछ है। तो वही सब देख सकते हैं रीजनिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आप फी डिटेल्स देख सकते हैं। तो 200 रुपया आपको लगेगा फी। यहाँ पे फी दिया गया 200 रुपया। और यहाँ पे आपको कैसे भरना है यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके भरना है। दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर www.jointterritorialarmy.nisin यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अच्छे से दिया गया और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस होगा। दोस्तों ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड CVT नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ द पेपर सेपरेटली एंड ओवरऑल एवरेज ऑफ 50%। मतलब हर एक पेपर में आपको 40% लाना जरूरी है, यानी 50 मार्क्स का हो रहा है तो 20 नंबर लाना जरूरी है और ओवरऑल आपका 50 बनना जरूरी है 50%, तभी जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया हूँ। इंटरव्यू होगा रिटर्न के बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन सारे को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको सैलरी दिया जाएगा। सैलरी वाला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे सैलरी वाला दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से सैलरी वाला यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं रैंक वाइज सैलरी दिया जाएगा। अगर अर्ली टू अटेंड यहाँ पे लेवल 10 के लिए 56,000 से 1,77,500 पे मैट्रिक है। यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे यहाँ 15,500 सबके लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर कैप्टन के लिए पे मैट्रिक 61,300 से 1,93,900 है। उसी तरह मेजर के लिए लेवल 11 यहाँ पे 69,400 से 2,07,200 हैं। और फिर यहाँ पे LT कॉलोनल के लिए 1,21,200 से 2,12,400 है। तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया, सबके लिए दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी किस तरह से दिया गया। और यहाँ पे तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।